हेलो एंड वेलकम बैक टू द बॉलीवुड मिर्ची यूट्यूब चैनल। थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम रश्मिका मंदाना के बिकिनी लुक्स का रिव्यू करने वाले हैं। रश्मिका वैसे तो बेहद कम बिकिनी में दिखती है, लेकिन हाल ही में रश्मिका मंदाना ने बिकिनी में ऐसा वीडियो शेयर किया जिससे सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है। तो दोस्तों बने रहिए आज की वीडियो के साथ, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले रिव्यू करते हैं रश्मिका मंदाना के ब्लैक बिकिनी लुक का। ये वीडियो रश्मिका ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपलोड किया है। इस वीडियो में रश्मिका ब्लैक बिकिनी में पूल के अंदर जाती हुई दिख रही है। ब्लैक बिकिनी के साथ में रश्मिका ने ब्लैक सेरोंग कैरी किया है। इस बिकिनी में रश्मिका मंदाना अपने बैक कर्व्स फ्लॉन्ट करती दिख रही है। ये वीडियो रश्मिका ने अपने दुबई वेकेशन से अपलोड की है। चलिए अब रिव्यू करते हैं रश्मिका मंदाना के सेकंड बिकिनी लुक का। ये वीडियो रश्मिका मंदाना के फोटोशूट के दौरान का है। इस वीडियो में रश्मिका ब्लैक बिकिनी बॉटम एंड हाई हील्स में बीच साइड फोटोशूट करवा रही है। इस लुक में रश्मिका बेहद हॉट लग रही है और ये फोटोशूट वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई थी। ये पहला मौका था जब रश्मिका बिकिनी में दिखी थी। अब बात करते हैं रश्मिका मंदाना के बिकिनी फोटोज़ की। मालदीव से रश्मिका ने ये फोटोज़ अपलोड की है जिसमें रश्मिका ब्लैक स्विम वेयर विद ओवरसाइज शर्ट में नज़र आ रही है और रश्मिका के पीछे ब्यूटीफुल सी बैकग्राउंड है। इस स्विम वेयर लुक में रश्मिका को देखकर फैंस इस लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक दूसरी तस्वीर में रश्मिका ब्लू स्विम सूट में पानी के अंदर तैरती हुई दिख रही है। इस लुक में भी रश्मिका बेहद क्यूट लग रही है। अब जाते जाते रिव्यू करते हैं रश्मिका मंदाना के ड्रेसेस लुक्स का। इस वीडियो में रश्मिका गोल्डन ड्रेस में एक से बढ़कर एक पोज देती दिख रही है। इस ड्रेस में रश्मिका का अंदाज एकदम किलर और हॉट है। फैंस रश्मिका मंदाना के इस फोटोशूट की जमकर तारीफ कर रहे हैं। चलिए देखते हैं रश्मिका मंदाना के इस लुक की एक झलक। तो दोस्तों आज की बिकिनी रिव्यू वीडियो में बस इतना ही। हम आपको फिर मिलेंगे एक और बिकिनी रिव्यू वीडियो के साथ। तो दोस्तों अगली बार हम अवनीत कौर की बिकिनी रिव्यू वीडियो लेकर आने वाले हैं, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन ऑल पर सेट कर दे।